सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान के चाहने वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर, हालांकि ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो बहुत पहले से ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक एमएम भी नीचे नहीं झुकी। अब वहाँ पर जंग के हालात तो बने ही हुए हैं, जैसे कि लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। अमेरिका इसराइल ने तो हमला करने की बात कह दी है कि हम तो सीधा अब हमला कर देंगे अगर हमारी न्यूक्लियर टॉक फेल हो गई, अमेरिका ने ये कह दिया है। और इसराइल तो कह रहा है भाई आप बात करो या मत करो, अगर न्यूक्लियर तक ये पहुँचने वाला हुआ हम तभी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर देंगे। ऐसे में आपको बता दूँ कि ईरान बड़ी मुसीबत में घरेलू मामलों में ही पड़ गया है। जी हाँ, ईरान में खतरनाक दंगे हो गए हैं, और ऐसे खतरनाक दंगे कि शायद ईरान के इतिहास में ऐसे दंगे हुए हों। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित करने वाली होंगी। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि ऐसे खतरनाक फुटेज को सेंसर किया जाए, ताकि हम YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो भी कर सकें और आप तक खबर भी पहुंचा सकें। लिहाजा आपको बता रहे हैं हम कि काफ़ी बड़ी मुसीबत इस वक्त ईरान में है। दुश्मन से इतना ख़तरा नहीं है जितना अपने ही लोगों से ख़तरा होता है, ये सभी लोगों पर अप्लाई होता है। इस वक्त जब जंग के हालात बने हुए हैं, ईरान को मजबूत होना चाहिए, ईरान के लोगों को एक होके रहना चाहिए। वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं जिस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं और बड़ी बड़ी झड़प हुई है। पिछले 16-17 दिन से ये प्रोटेस्ट धीरे 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 हुआ है, और आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट भी भारतीय किसान के नक्शे कदम पे होना शुरू हुआ था। बहुत ही कम वक्त में कहानी की तरह से आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपको बताऊँ ईरान में इस्फहान एक जगह है, इस्फहान जो जगह है वहाँ पर पानी की किल्लत हमेशा रहती है, और वहाँ पर किसान ज़्यादा हैं, खेती करने वाले लोग हैं, वहाँ पर फार्मर्स हैं। वहाँ पर पानी कम होने की वजह से किसानों ने हमेशा से सरकार से मांग करी है कि हमारी पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, ईरानियन गवर्नमेंट, जिसके चलते वे वहाँ के किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे वो, और उन्होंने वैसे ही जैसे भारत में किसानों ने टेंट लगाए थे, वैसे ही टेंट उन्होंने भी अपने गाड़ लिए थे और लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। अब बताया ये जा रहा है कि उनके प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जो विपक्ष के लोग हैं वो भी शामिल हो गए, और काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हो गया। और तो और ईरान सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी होने लगी। पिछले हफ्ते जुमे के दिन भी जबरदस्त भीड़ खड़ी हो गई। आपको पहले कुछ प्रदर्शन की खास तस्वीरें दिखा देता हूं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि ईरान में खतरनाक माहौल बन चुका है। देखिए, देखा दोस्तों आपने, अब आपको पता चल गया होगा कि ईरान का इस वक्त माहौल बहुत तनावपूर्ण है। हालांकि आपको बता दूं कि ईरान को पसंद करने वाले लोग ये खबर शायद आप तक ना पहुंचने दें, लेकिन आपको बता दूं कि सच जानना बेहद ज़रूरी है, कौन से देश में किस मुद्दे पर क्यों और क्या हो रहा है। ये रजाग्राफी आपको निष्पक्ष होकर साफ सीधी सीधी बात बताता है विद प्रूफ के साथ। अभी मैंने आपको तस्वीरें जो दिखाई हैं वो आपने देखा कि किस प्रकार से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं और किसानों के साथ हैं, और ज़बरदस्त प्रदर्शन वहाँ पर जारी है।
अब आपको बता देता हूं कि जुमे के दिन यानी कल के दिन जबरदस्त तरीके से हिंसक झड़प हुई। जी हां, आपको बता दूं एंटी रियोट जो मिलिट्री तैनात करी थी ईरान ने और ईरान की सरकार ने कई तरह की पैरामिलिट्री और IRGC के कमांडर्स तैनात किए थे, पुलिस तैनात किए थे, उनके और जनता के बीच में झड़प हो गई, पत्थरबाजी हो गई, उसके बाद तोड़फोड़ हो गई। उसके जवाब में फिर ईरान पुलिस को, ईरान मिलिट्री को अपनी ईरान की ही जनता पर रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी, लठ चलाने पड़े और तो और आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस अब प्रदर्शन में, हिंसक प्रदर्शन में, दंगे में कम अज कम एक के मारे जाने की खबर है कि एक महिला मारी गई है। इसके अलावा 4 से 5 बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख पर चोट आई है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंख भी फूट गई है, ऐसा खबरों में आया है। इस प्रदर्शन में नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। अब आपको कुछ हिंसा की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। من چادر ها پل خاجو آتیش زدن ایستادن موتور 5000 موتور نیروی انتظامی حمله کردن به مردم. ما هستیم بازش کمر زدن. दोस्तों आपको बता दूं कि जो किसानों ने अपने टेंट लगाए थे उस टेंट में भी बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा आग लगा दी गई।
یه گام میشه دور تا دور یه گام میشه. दोस्तों बताया जा रहा है कि लाखों लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। किसान आंदोलन अब इस वक्त छिड़ गया है ईरान में। जनता पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हो गई और सरकार इस वक्त मुश्किल में है। सरकार का कहना है कि इसमें दुश्मन देश का भी हाथ है और ये बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं है। मूसाद कहाँ कहाँ है आप ये सब जानते हैं और आपको बता दूं कि ईरान के लिए अब खतरे की घंटी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और इस पर और भी जानकारी हासिल करनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हम इस पर आपको अपडेट दें या नहीं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।